I'll help you, we'll help you. Heading now. Okay, heading. Likho. लिखेंगे बोले जब किसी कार्य को करने की अनिवार्यता हो जब किसी कार्य को करने की अनिवार्यता हो गया कार्य को करने की अनिवार्यता हो तो फ्यूचर टेंस में शैल हैव टू विल हैव टू का प्रयोग करते हैं. शैल हैव टू विल हैव टू का प्रयोग करते हैं. I'll have to, will have to का प्रयोग करते हैं. दूसरा नियम इसको एक नंबर कर दो. दूसरा लिख लो बोले अभी तो लिख रहे हो पहले तो बोले कहाँ का प्रयोग करते हैं. दूसरा नियम में लिखेंगे कि ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में पड़ेगा इत्यादि शब्द आते हैं. पढ़ेंगे गया? जब किसी कार्य को करने की व्यवस्था या मजबूरी हो अब नहीं लिखना है हो गया ना. जब किसी कार्य को करने की व्यवस्था या अच्छा हिंदी में आएगा तो लास्ट में क्या आएगा क्रिया के अंत में पड़ेगा. मान लो हमको यह कार्य करना पड़ेगा तो फ्यूचर में करना पड़ेगा ना. और अगर कार्य करना पड़ेगा तो मजबूरी है या फिर अनिवार्यता भी है कि करना पड़ेगा. सबसे पहले सब्जेक्ट रख दीजिए. सब्जेक्ट के बाद उसके बाद हैव टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यम को कर लो. मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा. और जाना पड़ेगा मतलब अनिवार्य है जाना. अनिवार्य नहीं तो तू थोड़े ना जाता दिल्ली. क्या सारा कोई विशेष काम होगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा. अनिवार्यता है तो इसी का प्रयोग कर देंगे. शैल विल मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई के साथ शैल हैव टू जाना का गो हो जाएगा. कुछ दिक्कत है कहाँ इसमें था नहीं अनिवार्यता है तो हम जाने की दिक्कत होगा लेकिन इसमें अवश्य नहीं अवश्य आएगा तो डेफिनेटली लगा देंगे. एक दो एग्जांपल और देख लो उसके बाद मतलब क्या बता.
कल की अंग्रेजी छूट गया जी। आई शैल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। करें कि आगे बनाओ, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, और आगे मैंने लिख दिया कि मुझे वहां दो दिन रुकना पड़ेगा, मुझे वहां दो दिन रुकना पड़ेगा। तो बना दो, अब इसमें भी देखो दो दिन रुकना पड़ेगा, मजबूरी है तभी रुकना पड़ेगा ना, अनिवार्यता है। बना मुझे क्या हो जाएगा, आई आई के साथ शैल हैव टू, आई शैल हैव टू रुकना का स्टे, वहां का कितने दिन रुकना है, टू दिन, पार्ट टू डेज कर देंगे। आई शैल हैव टू स्टे देयर फॉर टू डेज, मुझे वहां दो दिन रुकना पड़ेगा।